एबीबी के कैपिटल गुड्स कंपनी, और वहां पर हम देख रहे हैं कि आज शानदार तेजी है और 5 महीने के आसपास की सबसे बड़ी तेजी हम देख रहे हैं 10% के आसपास की। अजीत, एक क्विक कमेंट आपसे चाहेंगे एबीबी पर। हमने एक चाल अच्छी डिसेंट देखी एबीबी में, लेकिन आज के बड़ी तेजी के बाद आपको इसका डायरेक्शन कैसा लग रहा है? अभिषेक, डेफिनेटली पॉजिटिव है, बिकॉज जहां से रीबाउंड किया इसने वो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट था कल के सेशन में, और आज गैप अप के साथ ऑलमोस्ट 3 टाइम 4 टाइम ऑफ द एवरेज वॉल्यूम। सारी चीजें ये इंडिकेट कर रही हैं कि मोमेंटम कैरी करना चाहिए, और क्लोजिंग बेसिस पे अगर ये 2250 के ऊपर क्लोज कर पाता है तो बहुत जल्दी आप इसको 2450-2500 के रेंज में देखेंगे। तो अभी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस करीब 2110 के अराउंड पे होना चाहिए और आप लॉन्ग पोजिशन को कैरी करें। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन बनाए रखें, 2425 रुपए के रेंज में भी एबीबी का शेयर जा सकता है। आगत है आज वीकली एक्सपायरी अजीत, और हम देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपरी स्तरों से हल्का सा थोड़ा नीचे आ रहा, थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ है, अब जो बढ़ा था 150 अंकों के आसपास की रह गई है। बचे हुए सत्र में आपको क्या लग रहा है अजीत, जो 2 घंटे का सत्र बचा है, क्या निफ्टी अटेम्प्ट करेगा 16,900 से 17,000 के दायरे में जाने की, या फिर इन्हीं लेवल्स के आसपास रहेगा आज, और सलाह क्या देंगे आप ट्रेडर्स को? अब अगर आपने अभिषेक, तो अभिषेक देखिए, आज वीकली एक्सपायरी है, कल के दो सेशन, मतलब कल का सेशन जिस तरीके से हमने ब्रेकडाउन देखा और आज एक रिकवरी देख रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट रहा मार्केट के लिए इसमें अनफोल्ड। बट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर मैं केवल प्राइस एक्शन की बात करूँ अभिषेक, तो 16,817-17,300 दो हफ्तों से इस रेंज को हम होल्ड कर रहे थे, जिसका कल ब्रेकडाउन हुआ, आज हम रिकवरी जरूर देख रहे हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है अभिषेक कि हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। तो आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम 16,800 की रेंज के आसपास ही कहीं क्लोज करेंगे। बट ब्रॉडली अगर आप देखें आने वाले दिनों में, मुझे लगता है कि नेगेटिविटी बढ़ सकती है, साइडवेज टू नेगेटिव बायस ही मार्केट में कंटिन्यू रहेगा। तो इंडेक्स में तो एटलीस्ट आपको सेल ऑन राइज को ही कंटिन्यू करना चाहिए जब तक कि आप डिसाइसिवली 17,200 के ऊपर क्लोज नहीं करते हैं, और इमीडिएट जो अपॉर्चुनिटी होगी टू गो शॉर्ट वो करीब 16,950-17,000 के पास रहेगी। तो इंडेक्स में तो हमारा यही व्यू है कि आप सेल ऑन राइज कंटिन्यू करके चलें, नीचे पे 16,600-16,400 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल जाएंगे आने वाले दिनों में। 16,400 तक के लेवल अजीत जी? ठीक है, तो बाजार में आपको उछाल पर बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, उछाल पर आपको शॉर्ट के मौके मिलेंगे इंडेक्स की अगर बात करें तो, और माहौल थोड़ा सा और खराब हुआ तो 16,400 के स्तर भी आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं।